चंदन यात्रा 21 दिनों के लिए, और इसको के सारे मंदिरों में भगवान को चंदन के साथ सजाया जाता है। तो चंदन यात्रा का उत्सव बड़ा प्रसिद्ध उत्सव है, और ये उत्सव शुरू हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। तो ये संक्षेप में इतिहास इस प्रकार का है। महानंदपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त है भगवान के। वो उनके शिष्य का नाम था ईश्वरपुरी, और जिनके शिष्य का नाम था क्या, चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु थे महानंदपुरी। महानंदपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त है भगवान के। वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अगर कुछ मिल गया खाने को तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। तो महानंदपुरी ने एक दिन गोवर्धन परिक्रम समाप्त किया था, और गोवर्धन परिक्रम समाप्त करके गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे। आप जब गोवर्धन परिक्रम करते हो गोविंद कुंड में रुकते हो, अच्छा तो थके एक ग्वाला मटके में दूध लेकर आया, कहने लगा मुझे लगता है आप थके हुए हो, आप ये दूध पियो, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ मटका लेने के लिए। महानंदपुरी ने इतना खूबसूरत कभी कोई बालक को नहीं देखा था। उनका कंठ इतना मधुर था, कितना इतनी मधुर आवाज़ भी उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। तो महानंदपुरी राह देख रहे थे कि ग्वाला आएगा मटका लेने के लिए, पर ग्वाला आया ही नहीं, और महानंदपुरी को हल्की सी नींद आ गई। नींद में वही ग्वाला फिर सपने में आया, और उस ग्वाले ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। उन दिनों में भारत के उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य था, और कई प्रसिद्ध मंदिर उनकी मूर्तियों को दबा दिया था। वृंदावन में कई मूर्तियाँ नष्ट हो गई थी, और कई मूर्तियों को ले गए थे जयपुर में, जहाँ हिंदू राजा था, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। तो महानंदपुरी को सपने में भगवान ने क्या कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, पर मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए पुजारियों ने दबा कर छुपा दिया था। मुझे वहाँ बहुत गर्मी लग रही है। आप लोगों को गर्मी लग रही है आजकल? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं चाहता हूँ तो मुझे निकाल कर मेरी स्थापना करो। महानंदपुरी ने जब देखा कि वे बालक जिसने उन्हें दूध दिया था यही बालक भगवान है, तो वो शर्मिंदा हो गए। क्यों शर्मिंदा हुए? उन्हें भगवान से सेवा ले ली, उन्होंने भगवान से सेवा ली, भगवान के हाथों से दूध लिया। जो उत्तम कोटि का भक्त है वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान से लेना नहीं चाहता। हम तो जब जैसे बाजार जाते हैं तो शॉपिंग लिस्ट बना कर जाते हैं, ये खरीदना ये खरीदना ये खरीदना। तो हम भी रोज़ भगवान को अपनी शॉपिंग लिस्ट देते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त है उसकी एक ही इच्छा रहती है, सेवा, और कुछ नहीं। तो महानंदपुरी शर्मिंदा हुए, उन्होंने भगवान के हाथों से दूध पी लिया, और दूसरी तरफ से दुखी थे। भगवान का दर्शन लिया उन्होंने, पर पहचाना नहीं कि वो भगवान थे। मान लो आपको भगवान मिल जाए गोवर्धन परिक्रम करते हुए, आप पहचाना नहीं,
आपको दुख होगा कि नहीं। तो ये दुख था कि मानवपुरी सामने भगवान आए, उन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं। खैर, अगले दिन सुबह मानवपुरी ने अपना सपना सारे गांव वालों को सुनाया कि भगवान ने सपने में मुझे ये आदेश दिया। सारे भक्तों ने कहा, चलो चल कर देखते हैं वो सपना सत्य था या नहीं। और बड़ी कैंची लेकर सबने झाड़ियों को काटा और खोदा, और उसी स्थान पर जिस स्थान का वर्णन था सपने में, और उसी स्थान पर उन्होंने देखा गोपाल का विग्रह। कहा जाता है कि इस विग्रह की स्थापना 5000 साल पूर्व हुई थी, 5000 साल पुरानी मूर्ति। और फिर मानवपुरी ने सब साथियों भक्तों को जोड़कर सबने बड़े उत्साह से मूर्ति की स्थापना की योजना की। 2 दिन के अंदर पूरी योजना हो गई और ब्रज का हर गृहस्थ भक्त जुड़ा इसके साथ और सब सेवा में जुड़े और सब ने अपनी तरफ से पूरी सेवा की। कहा जाता है भगवान जो हैं वो असली मालिक हैं पृथ्वी के। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी गाय खेती सब गोपाल को भेंट के रूप में अर्पण कर दिया और 2 दिन में पूरा प्रबंध कर लिया। जब हम लोग मंदिर खोलते हैं हमें कई दिन लग जाते हैं मंदिर को की तैयारी करने में, और 2 दिन में मानवपुरी ने सब भक्तों को जोड़कर सारी तैयारी कर दी। 900 लोटे पानी के लाए गोविंद कुंज से, और 2 दिन के बाद अपने और गोपाल का मसाज किया, अभिषेक किया और फिर उनकी स्थापना हुई। तो पूरा ब्रज जुड़ गया था इस सेवा में। तो इस प्रकार माधवपुरी ने खुद सेवा शुरू कर दी। रोज सारा दिन सुबह से शाम तक माधवपुरी खुद सेवा करते थे और रात को भगवान को सुनाने के बाद रात को विश्राम करते थे। एक ही पुजारी थे। आपके मंदिर में अगर मैं पूछूं कितने पुजारी हैं तो आप शायद कहोगे 6-7 पुजारी तो होंगे है कि नहीं। परमानंदपुरी का क्या स्टैंडर्ड था, सारी पूजा खुद करते थे। खुद भगवान का भोग बनाना, खुद भगवान को भोग चढ़ाना, खुद भगवान की आरती करना और खुद भगवान को रात को सुनाना। और भगवान को सुनाने के बाद थोड़ा सा दूध पीते थे और सोने जाते थे। ये थी उनकी खुराक। देखो क्या भाव, सुबह से रात भगवान की सेवा। अगर आपको ये सेवा दी जाए, आप राधा मदन मोहन रुक्मिणी द्वारका देश की सेवा करो, पर रात को खाने को मिलेगा, आप तैयार हो करोगे? कोई करेगा? शायद नहीं करेगा। तो इस सुनाई दे रहा है जी गुरु महाराज, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज, योर वॉइस इज डेफिनेटली क्लियर। ओके, तो इस प्रकार 2 साल तक सेवा होते रहे भगवान के। पर 2 साल बाद माधवपुरी को फिर एक सपना आया। इस सपने में भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने भक्तों को जोड़कर मेरी स्थापना की है, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ जगन्नाथ पुरी और मेरे लिए चंदन लेकर आओ, चंदन। और माधवपुरी ने तुरंत भगवान से कहा, ठीक है,
अगर आज आपको बोला जाए चंदन लेकर आओ रुक्मिणी द्वारका देश के लिए, पहले तो आप पूछोगे प्लेन टिकट मिलेगी क्या? प्लेन टिकट नहीं तो ट्रेन टिकट तो मिलनी चाहिए। अगर अगर आपको कहा जाए नहीं पैदल जाना पड़ेगा, फिर आप क्या कहोगे? ये तो संभव नहीं है। कई बार भगवान अपने भक्तों को बड़े कठिन चैलेंजेस देते हैं, जैसे माधवेंद्र पुरी को। भगवान असल में माधवेंद्र पुरी की परीक्षा ले रहे थे। वो परीक्षा ले रहे थे कितना त्यागा है। भगवान ने उन्हें बहुत कठिन सेवा दी। क्या? जाओ जगन्नाथ पुरी तक, वहाँ से मैंने चंदन लेकर आओ, और ये भी यात्रा करो पूरी यात्रा पैदल ऑन फुट, ये नहीं कि टांगे में जाओगे या पलकी में उठाकर कोई लेके जाएगा। विमान में पूरी तुरंत ही तैयार हो गए। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, जब हम भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं, ये नहीं कि हर चीज़ होएगी हमारी इच्छा के अनुसार। इंग्लिश में एक फ्रेज है कॉम्फर्ट जोन, आपने पहले सुना ही है कॉम्फर्ट जोन? उसका अर्थ समझते हो? अर्थ ये है हम सेवा करेंगे पर हमारी इच्छा के अनुसार। अगर हमें सेवा दोगे, सुविधा दोगे तो हमें चाहिए, फिर तो सेवा की उम्मीद है। अगर आप ऐसी कठिन सेवा दोगे फिर सॉरी बैड लक। तो ये है कम्फर्ट जोन की सेवा। तो भगवान ने परीक्षा ली, यहाँ भक्तों को सेवा दी जाए, समाप्त करो द्वारका का मंदिर जल्दी से जल्दी। तो जो श्रद्धालु हैं वो कहेंगे हाँ जरूर, क्या करना चाहिए हमें। तो माधवेंद्रपुरी दो बंगाली पुजारी आए थे, उनको शिक्षा देकर दीक्षा देकर वो चले कहाँ? जगन्नाथपुरी की ओर। रास्ते में वो शांतिपुर में रुके। शांतिपुर में अद्वैताचार्य का स्थान था। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर, जैसे अद्वैताचार्य को माँ विष्णु का अवतार माना जाता है, तो अद्वैताचार्य और हरिदास भगवान से प्रार्थना की थी आप प्रकट हो जाओ पतितों का उद्धार करने के लिए। अद्वैताचार्य ने जब देखा माधवेंद्र पुरी का भाव 24 घंटे जुड़े हुए थे भगवान के चिंतन में गुणगान में, तो अद्वैताचार्य ने माधवेंद्र पुरी से भीख मांगा, दीक्षा ली। दीक्षा लेकर फिर आनंदपुरी आगे बढ़े शिक्षा देकर। तो वहाँ वो फिर पहुँचे रेमुना में। रेमुना में एक बड़ा ऐतिहासिक मंदिर था। असल में चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंद के साथ यात्रा करते करते गांव गांव जाते जाते पहुँचे रेमुना में, और महाप्रभु ने कहा मैंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से एक बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनी थी इस मंदिर के विषय में। तो वो पहुँचे कहाँ? रेमुना। रेमुना में जब पहुँचे, आप में से कितने भक्त गए और रेमुना के मंदिर में? हाँ थी। वहाँ ये बड़ा प्राचीन मंदिर है राधा गोपीनाथ का। कहा जाता है कि उस विग्रह को बनाया था भगवान राम ने जब वो पृथ्वी पर थे, ये बताने के लिए कि द्वापर युग में इस रूप में मैं प्रकट होऊंगा। तो रेमुना का जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, ख़ास करके क्योंकि भगवान ने यहाँ खीर का प्याला चुराया था। महादेव ने पूरी जब इस मंदिर में पहुँचे, उन्होंने वहाँ के पुजारियों से पूछा कि क्या है, लोग भगवान को क्या भोग लगाते हो, किस प्रकार से पूजा करते हो इत्यादि। और रामचंद्र महानंद पुरी के मन में ये इच्छा थी
अगर किसी प्रकार से मुझे यहाँ मिल जाए टेस्ट करने के लिए, यहाँ जो भोजन महाप्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, मैं भी फिर अपने भगवान के लिए ऐसा प्रसाद बनाऊंगा। इसको वो कहा जाता है कि जो प्रसाद वहाँ बनता था उसको कहा जाता था, क्या नाम था उसका, अमृत केली, जो प्रसाद स्वर्ग में बनकर आता है। ये इच्छा प्रकट हुई जबकि भगवान को भोग लग रहा था। आप में से जो ब्राह्मण दीक्षित हो जानते होंगे, नियम ये होना चाहिए कि जब भोग हम तैयार कर रहे हैं, हम सोचें भगवान खाएंगे इससे पहले, भगवान को भोग लगाने के बाद हम खाते हैं। ये नहीं हम बना रहे हैं और सोच रहे हैं ये तो हमने चस्का कर भोग लगाते ही हम चाय खाएंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भगवान में पूरी शर्मिंदा हो गए कि मेरी इच्छा प्रकट हुई भोग चखने की, जबकि भोग लग रहा था। तो बिना चखे हुए माधव ने पूरी मंदिर छोड़कर चले गए बाजार में जाप करने के लिए। परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है नहीं। कई काम बुद्धि के व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है, पर वैष्णव क्या सोचते हैं, ये पत्थर की नहीं है, भगवान स्वयं मूर्ति में उपस्थित हैं। जो व्यक्ति ये सोचे ये पत्थर की है, लकड़ी की है, मार्बल की मूर्ति है, उन्हें भगवान के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। अद्वैत मौजूद बना दिया अनंत रूपम अध्यम पुराना पुरुषम नव यौवनम च, भगवान सबसे प्राचीन हैं, दिखते हैं सबसे युवक। तो भगवान ने क्या किया, अपने भक्त की सुरक्षा के लिए, भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए रोज शाम को इस मंदिर में 12 खीर के प्याले भगवान को भोग लगाए जाते थे, और भगवान ने एक प्याला चुरा कर छुपा दिया। किधर छुपाया, पर्दे के पीछे, और पुजारी को कहा मैंने खीर का प्याला चुरा कर छुपा कर रखा है पर्दे के पीछे, तुम उठा कर मेरे भक्त को दे दो। तो पुजारी को विश्वास नहीं हुआ, भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो खैर स्नान करके भगवान को जगाया, रोज सुबह भगवान को जगाते हैं मंगल आरती से पहले, और जब पर्दा बंद होता है रात को फिर भगवान को सुलाते भी हैं। तो उनको जगाकर पुजारी ने देखा सचमुच ये सच है कि क्या था, भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर रखा था अपने भक्त के लिए। तो ये पुजारी सोच रहा था कौन है ये भाग्यशाली मानंदपुरी जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर रखा। ही वॉज वंडरिंग कौन है ये। तो गए बाजार में, यहाँ कोई मानंदपुरी नाम का भक्त है। तो मानंदपुरी ने सुना उनके नाम को पुकारा जा रहा है, उन्होंने कहा मैं हूँ। तो उस पुजारी ने कहा तुम जानते हो कि कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए भगवान ने ये खीर का प्याला चुराया था। माधव पूरी की इच्छा थी इस खीर को चखने के लिए, क्योंकि रोज़ शाम को 12 खीर के प्याले भगवान को चढ़ाए जाते थे, और वो शर्मिंदा होकर निकल आए क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट हुई, भोग लग रहा था। तो माधव पूरी बड़े खुश हुए और नाचने लगे खुशी में, रोज एक एक टुकड़े को चखते थे। पूरे शहर में खबर फैल गई
कि यहाँ एक संत है जिसके खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया है। तो जहाँ भी माधवपुरी जाए गए वहाँ बड़ी भीड़ हो जाती थी कि लोगों की। तो वैसे तो देखा जाए साधारण व्यक्ति तो चाहता है उसका गुणगान हो, है कि नहीं? हाँ, सच 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 बोलिए, चाहते आपका गुणगान हो सब के। और सब सब कहें आप कितने फर्स्ट क्लास डिवोटी हो। मैंने जैसा डिवोटी तो अब देखा ही नहीं हमने, पर जो भगवान के उत्तम कोटि के भक्त हैं वो सोचते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, केवल अवगुण है। और माधवपुरी, उनको क्या डर था? उनको डर था अभी सबको सूचना मिल गई है कि वो है वो भक्त जिनके लिए भगवान ने, वो है वो भक्त जिनके लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया है। तो माधवपुरी ने क्या, मैं ऐसे भागने दो मुझे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे लोग उनका गुणगान करें। हम तो चाहते हैं हमारा गुणगान हो, हमारी तारीफ हो, हमारा नाम लिया जाए, ताड़ियाँ मारी जाए, हमें हार चढ़ाया जाए, है ना? और अगर गलती से नाम छूट गया तो फिर युद्ध शुरू हो जाता है। पर माधवपुरी, उनकी क्या इच्छा थी? किसी को पता नहीं लगे ये कौन है। वो भाग गए जगन्नाथपुरी, वहाँ उन्होंने जगन्नाथपुरी के अधिकारियों से अपना परिचय दिया, कहा कि किस प्रकार भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए वो जलंधर और जगन्नाथपुरी आए हैं चंदन इकट्ठा करने के लिए। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने उनका सहयोग दिया, 82 पाउंड चंदन और कैम्फर 8 आउंस का इकट्ठा किया, साथ में एक भग दिया और साथ में एक सेवक भी दिया। उन दिनों में पूरे भारत में मुसलमानों का शासन था और जो चुंगी वाले थे अक्सर मुसलमान थे, वो बाकायदा हिंदुओं को बहुत तंग करते थे। तो वहाँ भगवान ने आदेश दिया बड़ा कड़क और इनकी परीक्षा ली। तो माधवपुरी चले जगन्नाथपुरी से गोवर्धन वापस आने के लिए। रास्ते में फिर से उन्हें यमुना के मंदिर में आना पड़ा और भगवान ने सपने में उन्हें फिर एक आदेश दिया। भगवान ने कहा, माधवपुरी तुम परीक्षा में पास हो गए हो, मैंने तुम्हें एक बड़ा कठिन कार्य दिया था, चंदन लाओ पैदल यात्रा करके। तुमने कुछ भोले बगैर इतनी लंबी यात्रा की और चंदन इकट्ठा किया। मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। मेरे में मतलब गोपाल विग्रह, गोपीनाथ मतलब कि जो यमुना मंदिर की मूर्तियां हैं। मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तुम यही चंदन लेकर गोपीनाथ की मूर्ति को सजा दो और जो खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। तो जो अगले दिन सुबह पुजारियों ने माधवपुरी ने यह सपना सुनाया पुजारियों को, वो तो खुश हो गए। मैं कहा थैंक यू वेरी मच, 82 पाउंड चंदन मिल रहा है आपके रुक्मिणी द्वारका देश के मंदिर में, कोई सुबह कह दे ये लो 80 पाउंड चंदन, आप तो खुश हो जाओगे। तो फिर दो हफ्ते के लिए रोज माधवपुरी अपने हाथों से भगवान को चंदन लगाते थे। ये उत्सव हम 21 दिनों के लिए मनाते हैं जो शुरू होगा कल। माधवपुरी ने खुद 2 हफ्तों के लिए खुद चंदन लगाया और दूसरों को सिखाया भगवान को चंदन कैसे लगाया जाता है।
तो माधवेंद्रपुरी को इस कथा में आप देखते हो, तीन बार भगवान ने आदेश दिया। सच बात है, पहली बार जब वो गोविंद कुंड में थे, दूसरी बार कब, जब उन्हें कहा चंदन के लिए जाओ, और तीसरी बार गोपीनाथ के मंदिर में। आप पूछोगे या कहोगे, हमें भी इस सपने में बहुत आदेश मिलते हैं, हमें भी उनको पूरा करना चाहिए। कल सपने में आदेश मिला था कि हमें फूड फॉर लाइफ को बढ़ा देना चाहिए, तो कोई दूसरा कहे मुझे सपने आया था कि मंदिर बनाना चाहिए पहले। तो हम ही सपनों का विश्वास करते हैं, हाँ या ना। प्रभुपाद ने कहा जब तुम शुद्ध भक्त बन जाओगे, जब अपने सपनों को वैल्यू देना, जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनते, डोंट वैल्यू योर ड्रीम। तो इससे अच्छा है हम आदेश लें। और भगवान ने परीक्षा ली माधवेंद्रपुरी की, चंदन लाकर दो। वो हालांकि मुस्लिम अधिकारी थे, हालांकि उन्हें इतनी गोवर्धन से रेमुना कितने किलोमीटर होएगा किसी को पता है, 2000 तो होएगा। तो इतनी लंबी यात्रा उन्होंने की अकेले। तो इसी प्रकार हमारे में ये भाव होना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए अगर हमारी परीक्षा ली जाती है तो हमें तुरंत तैयार रहना चाहिए। आप देख तो प्रॉपर के जीवन में उन्हें कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा, एक समस्या से दूसरी समस्या। और जब अमेरिका पहुँचे, जब भी पहले 2 सालों के लिए इतनी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा गुरुजी आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता। गुरु का आदेश था, ले जा महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देशों में। हमारे भक्तों में ये कमी दिखती है, जब हमें चैलेंजिंग पोजीशन दिया जाए, कठिन कार्य, हम पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ये नॉट फॉर मी, हमारे लिए नहीं है। पर आप करोगे, अधिक कृपा प्राप्त करोगे। तो इस कथा के, काफ़ी लंबी कथा है, और इसका हमारे नरसिंहदेव भगवान के नरसिंहदेव यज्ञ हो रहा है, जल्दी करना। यहाँ भक्तों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा नरसिंह यज्ञ रोज होता है, आपको दिख रहा है। हाँ, हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस का प्रभाव, उनकी ताकत जल्दी पंक्चर हो जाए। हाँ, क्योंकि काफ़ी भक्त दुखी है, हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं ये तो बहुत लंबी छुट्टी मिल गई, अभी हम ऑफिस जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा शायद तुमको एक और एक्सटेंशन मिल जाए 4 तारीख को। तो हमें तैयार रहना चाहिए भगवान के लिए, तपस्या का पालन करने के लिए, और तपस्या करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये चंदन यात्रा का उत्सव कल से शुरू होगा और 3 हफ्ते के लिए चलेगा। मेरे ख्याल से मंदिर पब्लिक के लिए तो बंद हैं, पर भक्त दर्शन ले सकते हैं। तो कल है बड़ा शुभ दिन, अक्षय तृतीय, और मैं एक जो लीला है आज के दिन शुरू हुई थी। आज के दिन प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज को भी रजिस्टर किया था। आप सब जानते हो कि प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी। इसका उनका पहले नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, और झांसी में प्रभुपाद जी को एक स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने आज के दिन
इस्कॉन को रजिस्टर किया था लीग ऑफ डिवोटीज के नाम पर, वही लीग ऑफ डिवोटीज बाद में बन गई इस्कॉन, इस्कॉन बन गई। तो आज के दिन एक और कथा है, वो कथा है पांडव भाइयों की। पांडव भाई जब जा रहे थे ये एग्जाइल में, अब जंगल जा रहे थे वनवास में, तो उनके साथ हजारों ऋषि मुनि भी जा रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा कि सब ऋषि मुनि मेरे साथ आएंगे, मैं इनको भोजन में कैसे खिलाऊंगा? जब महल में था तो अलग बात है, पर जंगल में कैसे खिलाऊंगा? तो युधिष्ठिर ने सूर्य के देवता को की सेवा की, उनसे पूछा। सूर्य के देवता ने उन्हें एक अक्षय पत्र दिया। अक्षय पत्र नाम सुना है आपने? वेरी फेमस इन इस्कॉन। तो ये अक्षय पत्र मिला था सूर्य के देवता द्वारा युधिष्ठिर को, और नियम ये था द्रौपदी के खाने तक अक्षय पत्र से लाखों क्या करोड़ों आदमियों को भी फूड फॉर लाइफ मिल जाएगा। पर एक बार द्रौपदी ने खा लिया तो फिर अगले दिन तक किसी को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आपको ऐसा अक्षय पत्र मिल जाए तो आपका मंदिर जल्दी से बन जाएगा। तो दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे दुर्योधन के घर में। दुर्वासा मुनि के विषय में कहा जाता है आसानी से प्रसन्न होते हैं और आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। तो दुर्योधन ने उनकी बड़ी अच्छी देखभाल की। तो निकलते समय दुर्वासा मुनि ने कहा, आपने इतनी अच्छी देखभाल की है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोलिए, आप किसी घर जाते हो, वो अच्छा खातर करता है, आप पूछते हो मैं क्या कर सकता हूँ? तो दुर्योधन ने कहा, जैसे आपने मेरे छोटी कुटिया को पवित्र बनाया है, मेरे भाई की कुटिया को भी पवित्र बना दो। आप उनके घर जाइए, उनके घर आप जाना दोपहर को 12 बजे के बाद, क्योंकि उन्हें पता था 12 बजे तक द्रौपदी खाना खा लेती है। दोपहर को जब दुर्वासा मुनि पहुँचे युधिष्ठिर के घर, तो युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। शास्त्र में कहा जाता है, अगर कोई शत्रु भी तुम्हारे घर में आए तो उसका स्वागत करो अच्छी तरह। शत्रु भी आए ये तो युधिष्ठिर ने स्वागत किया और कहा, आओ प्रसाद खाओ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हमें जाकर स्नान करने दो, दोपहर का स्नान करके आते हैं, फिर हम खाएंगे। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा, 10,000 आदमियों के लिए प्रसाद तैयार करो। तो द्रौपदी एकदम घबरा गई, 10,000 आदमियों के लिए, मैंने तो अभी दोपहर का प्रसाद खा लिया है, अब कैसे ये संभव होगा? तो रोने लगी। जो भक्त है सुख में और दुख में दोनों स्थितियों में किसको याद करता है? किसको? कृष्णा को। तो द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की, अब बचाओ, अभी दुर्वासा मुनि आएगा, घर में कुछ होएगा नहीं खाने के लिए, तो हमें श्राप दे देगा, बचाइए बचाइए। जैसे वो सोच रही थी, मन में प्रार्थना कर रही थी, बचाओ मुझे, किसी ने आकर उनके दरवाजे में खटखटाया, और भगवान ने भगवान थे, द्रौपदी कुछ खाने के लिए है? नहीं, मैं खा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं। नहीं, जरूर कुछ ना कुछ होएगा, मुझे खुद देखने दो। तो गए रसोई में, उन्होंने क्या देखा? एक चावल सब्जी के साथ एक डाला चिपका हुआ था। भगवान ने कहा, तुम कहते हो कुछ नहीं है, ये देखो एक दाना। और जैसे भगवान ने खाया तो सारे ब्राह्मणों का पेट भर गया और सबको लगा वो सबको अचकी आने लगी। जब अचकी आने लगी तो दुर्वासा मुनि समझ गए यहाँ कोई भगवान की लीला चल रही है, क्योंकि
अमरीश मनाल के साथ उन्होंने अनुभव कर लिया था शुद्ध भक्त का विरोध करने का क्या परिणाम। तो वो भी श्रीवासा ने कहा अभी तो हम सबको भूख लग रही थी और एकदम पेट भर गया है, यहाँ जरूर कोई लीला है। तो वहाँ से भागे तो भगवान ने भीमसेन से कहा जाओ श्रीवासा मणि सबको लेकर आओ प्रसाद खाने के लिए। तो गए भीमसेन बुलाने के लिए, वहाँ साधु ने कहा अरे जिनको तुम पुकार रहे हो वो सब भाग गए यहाँ से, कुछ थोड़ी देर पहले हमने देखा एक एक करके सब भाग गए। तो भीमसेन ने लौट कर कहा वो मिले ही नहीं, वो सब चले गए वहाँ से। तो भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, राखे कृष्ण माने के आगे क्या माने कृष्ण राखे के। सो विद स्मॉल टॉक विल टेक ऑन क्वेश्चन। हरे कृष्णा।